वेलकम टू ऑटोकैड। टेक्स्ट कमांड के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट कमांड दो तरीके से होता है। एक टेक्स्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सिंगल लाइन टेक्स्ट, और सेकंड टेक्स्ट होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर। सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला एक बेस पॉइंट डिफाइन करना होगा, उसका हाइट डिफाइन करना होगा और एंगल डिफाइन। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिख रखा है ऑटोकैड, टेक्स्ट का पूरा शॉर्टकट उसका नाम ही मेरे को यहाँ पर कमांड विंडो में टाइप करना होगा, जैसे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। मैंने यहाँ पर सपोज स्टार्ट पॉइंट दे दिया टेक्स्ट का। सेकेंड ऑप्शन आता है स्पेसिफाई हाइट, हाइट डिफाइन करना होगी टेक्स्ट के लिए। मैंने फ्री हैंड यहाँ पर क्लिक कर दिया हाइट के बाद। हाइट के बाद तीसरा वाला जो ऑप्शन आता है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल भी डिफाइन करना पड़ेगा टेक्स्ट का, जो भी हम टेक्स्ट का एंगल देना चाहना है। मैंने 0 डिग्री एंगल देके एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कर्सर ब्लिंक होने लग जाएगा। अब यहाँ पर सपोज मैंने जो भी टाइप करना है मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑटोकैड, ये मेरा एक बेसिक ऑप्शन हो गया ऑटोकैड। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर टाइप, डबल इंटर करना पड़ेगा। आप जो भी टाइप करेंगे, आप डबल इंटर करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा आपका टेक्स्ट का। ये मैंने कलर कर दिया था, ये मैंने एक बेसिक कमांड यूज़ करके यहाँ पर टेक्स्ट को सेट कर दिया, ठीक है। जब भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है तो ये वाला कंसेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। TEXT टेक्स्ट इंटर करा। यहाँ पर अगर मैं आ रहा हूँ इस विंडो में तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट दिया। फिर एक और ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई हाइट, मैंने सपोज हाइट यहाँ पर दे दिया 5, इंटर कर दिया। फिर एक और ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई एंगल, मैंने टेक्स्ट टाइप करा 45 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री के एंगल पर ही टाइप होगा। ये मैंने ऑटोकैड लिख दिया, 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। स्केप नहीं करना है, इंटर करना है। डबल इंटर करेंगे आप तो ये आपका टेक्स्ट स्टेबल होगा। टेक्स्ट को एडिट करने के बाद अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए। ये डबल क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर जो भी स्पेलिंग टाइप करना चाह रहे हैं वो आप टाइप कर सकते हैं एंड देन क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।